हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, आज भी बोलूंगा कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो अमेजोन पर जाकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, सर्च पे क्लिक करेंगे तो मेरे जितने भी मैंने अब तक पब्लिश किए हैं बुक्स वो आपके सामने आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ स्ट्रेटजीज बताए गए हैं, फिर चार्ट पैटर्न्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो रहते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज रहते हैं कुछ, उसके बारे में अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे बताए हैं। फिर मान लो कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना अच्छा लगता है तो ये बुक उसके लिए बहुत ही अच्छा है। फिर कैंडलस्टिक के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों, आपको इंट्राडे में पीसफुली ट्रेडिंग करनी और अच्छा खासा मोर देन 1% प्रॉफिट कमाना है तो ये जो स्ट्रेटेजी है, ये जो बुक है इंट्राडे 60 मिनट ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये बुक पब्लिश किया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है, तो इसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। इसमें इन डेप्थ मैंने जो भी स्ट्रेटेजी है वो बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का मेन टॉपिक है दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज रहते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेटेजीज रहते हैं, और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज के अगर हम एक्यूरेसी देखेंगे तो 50-50% के स्ट्रेटेजीज हमें बहुत बार मिल जाते हैं, खाली हमें उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना पड़ता है, लॉस मैनेजमेंट करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि मैं हर स्ट्रेटेजी में बोलते रहता हूँ, अगर हमारे ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसे हम 50% भी स्ट्रेटेजी एक्यूरेट रहने दो, अगर उसके साथ हम जो मैंने अभी रूल्स बताए उसके साथ अगर हम हमारी स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों कि अब हम हमारे चैनल पे जो भी स्ट्रेटेजीज डिस्कस करते हैं ना, तो आप उसमें डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, बैकटेस्ट भी करते हैं और दूसरे दिन में हमें लगता है कि चलिए ये स्ट्रेटेजी यूज करके हम ट्रेड कर लेते हैं और हमें लॉस बुक करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटेजीज हम बताते रहते हैं ना, तो वो हमने बैक टेस्ट किया होता है, कुछ स्टॉक में ऑब्जर्वेशन किया होता है और वो ऑब्जर्वेशन आपके सामने हम रखते हैं एज अ स्टडी पर्पस। तो हमारा मेन इंटेंशन इतना ही रहता है कि जो भी हमने ऑब्जर्व किया, जो भी हमने स्टडी की थी आपके सामने रख दे, तो उससे आप क्या करेंगे, उससे आप भी स्टडी करेंगे, आप भी उस स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करेंगे, थोड़ा उसे फर्निश करेंगे, थोड़ा अगर मान लो कि हम कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करें तो आप उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे और फिर आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस पर बैक टेस्ट करेंगे, फिर उस पर पेपर ट्रेडिंग करेंगे, फिर कम से कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और फिर जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए वैसे आप उसमें क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी और दूसरे दिन में आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और आपको लॉस हो गया। तो प्लीज दोस्तों, इस तरह के कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि कैसा रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना जितना आसान लगता है उतना भी मुश्किल भी होता है, राइट। हमें इजीली स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिल सकता, हम इतना इजीली भी पैसा नहीं कमा सकते, हमें उसके लिए एफर्ट्स देने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजीज पे वर्कआउट करना पड़ेगा, उसमें वो जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज है उसमें हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी मैं जब भी एक्सपीरियंस बोलता हूँ तो एक्सपीरियंस कभी भी हमारा 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, राइट, 6 महीने, 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो ही उस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ हम अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो में देख लिया, एक दिन में आपको समझ में आया और दूसरे दिन में आपने ट्रेडिंग की। तो इस तरह का अगर आप करेंगे ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि आपको लॉस तो बुक करना पड़ेगा, कल ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं वर्क करती, उस स्ट्रेटेजी को आप छोड़ देंगे, परसों आप अलग स्ट्रेटेजी के साथ वर्क करेंगे, मान लो कि आपने दूसरी स्ट्रेटेजी वर्कआउट की उसके साथ आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको लगेगा कि चलो ये स्ट्रेटेजी अच्छी है इसके साथ वर्क करते हैं, लेकिन नेक्स्ट दिन में क्या हो जाता है, वो भी स्ट्रेटेजी फेल होती है, उसमें भी आपको लॉस बुक करना पड़ता है, फिर आपको लगता है कि अरे ये भी स्ट्रेटेजी ने हमें लॉस दे दिया, इसे भी छोड़ देते, चलो कल हम फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ढूंढते। दोस्तों, अगर आप ऐसे करते बैठेंगे ना, हर रोज एक नई स्ट्रेटेजी को देखते बैठेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट का ये ट्रेडिंग का जितना भी आपका लाइफ टाइम है ना, तो आप उसमें एक भी स्ट्रेटेजी पे स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ऐसी कौन सी भी स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो 100% वर्क होती है, और अगर 100% वर्क होती ना तो कोई अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टॉप लॉस नहीं बताता, राइट दोस्तों। तो ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि कौन सी भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है कि जो 100% वर्कआउट होती है, हमें ऐसी स्ट्रेटेजी ढूंढनी है कि जो 50% भी मिनिमम वर्क होती है तो भी हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, 4 स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे, स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, हमारे अमाउंट का डाइवर्सिफिकेशन हो गया, उसके साथ हमने क्या किया, लॉस मैनेजमेंट किया,
रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया, यानी लॉस अगर होगा तो आधा परसेंट का होगा, प्रॉफिट होगा तो 1% का होगा। तो इस तरह से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हम ट्रेड करेंगे ना, तो दो भी स्टॉक हमारे गलत जाते हैं और दो भी हमारे सही जाते हैं ना, तो भी 50% एक्यूरेसी के साथ हम बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जितनी भी मैं बातें बोलता हूँ उसके साथ ही आपको ट्रेडिंग करनी है। अगर आपने ये स्ट्रेटेजी समझ ली कर उसमें ही पूरा पैसा डाल दिया, एक ही स्टॉक में डाल दिया और उसमें लॉस हो गया, तो आपको लॉस ही बियर करना पड़ेगा। इस तरह से नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी हम कभी भी लॉस मैनेजमेंट करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, स्टॉप लॉस को स्टडी करेंगे, कभी भी हमारा लॉस कम करने की कोशिश करेंगे ना, तो ही हमारा प्रॉफिट ज़्यादा आएगा दोस्तों। हम प्रॉफिट को देखते देखते ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा दोस्तों। हमें कभी भी लॉस को कम करना है, तभी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रेटेजी में जो भी आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ मैं, हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि वो एज अ स्टडी पर्पज है, आप उसे स्टडी पर्पज ही ले लीजिएगा। यानी इसका मतलब यही रहता है कि उसे आप खाली स्टडी कीजिए, उसे बैक टेस्ट कीजिए और आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, उस पर थोड़ा वर्क कीजिए, उसमें आप 2-3 महीना थोड़ा वर्कआउट कीजिए, फिर कॉन्फिडेंस आता है तो फिर पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर कम से कम क्वांटिटी में उसमें उसके साथ ट्रेडिंग कीजिए। और जैसे आपको लगता है ना कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सभी तरह से आपको उसमें कंफर्ट महसूस हो रहा है, तभी आप क्वांटिटीज बढ़ाते जाए, तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट रहता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्टॉक मार्केट में। ऐसे ही कोई स्ट्रेटेजी ले ली उसमें पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं रहता दोस्तों, लॉस ही हो जाएगा उसमें। तो चलिए दोस्तों, ये एक बात बोलनी थी। तो आज का जो मेन टॉपिक था हमारा कि जो 15 मिनट की हमारी जो स्ट्रेटेजी थी उसके साथ हम कोई कॉम्बिनेशनल अप्रोच करेंगे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हम एक ही पैटर्न को देखते देखते ट्रेडिंग करेंगे ना, तो हमारी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा कॉम्बिनेशन करते हैं, यानी हमारी स्ट्रेटेजी के साथ हम कोई इंडिकेटर्स को ऐड करते हैं। मान लो कि हमारी जो 15 मिनट ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटेजी थी वो खाली ब्रेकआउट के ऊपर ही वर्क होती थी, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कभी कभी हमें उतनी नहीं मिलती थी। मान लो 50-50% उसकी एक्यूरेसी थी। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना है। तो जब भी हमें हमारी स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव करना होता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉम्बिनेशनल अप्रोच यूज करेंगे। यानी कि क्या करेंगे कि हमारी जो बेसिक स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी के साथ हम कॉम्बिनेशन के लिए कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा ले लेंगे और वो दोनों को देखते देखते हम ट्रेडिंग करेंगे। तो एक्यूरेसी जो हमारी 50-50% थी वो मे बी 55% तक जाएगी, फिर मे बी 60% तक जाएगी, तो एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया है, कुछ स्टॉक पे मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, वो ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप इसे समझ लीजिए, आप भी डिफरेंट चार्ट के ऊपर इसको देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ ये 100% वर्क होगा, ये 100% वर्क नहीं होता दोस्तों। फिर भी ये स्ट्रेटेजीज रहते हैं, आपको खाली इतना ही देखना है कि 60% भी आपकी स्ट्रेटेजी वर्कआउट होती है तो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में कमा सकते हैं। इसलिए अगर आप 100% प्रॉफिट 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी को ढूंढते बैठेंगे ना, तो आपको स्टॉक मार्केट में तो लाइफ टाइम में इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं मिलने वाली। तो इसलिए आपको 60% की भी या 50% की भी स्ट्रेटेजी मिलती है तो जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो भी मंथ के एंड में आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए। तो चलिए मैं चार्ट पे ही लेकर चलता हूँ और वन बाय वन हम यहाँ पे समझ लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भी इंट्राडे में हमने एक स्ट्रेटेजी जो देखी थी 15 मिनट ब्रेकआउट वाली, तो उस स्ट्रेटेजी को हम और भी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें मैंने ज्यादा तो वर्कआउट नहीं किया है, लेकिन कुछ स्टॉक में मैंने देखा है, थोड़ा ऑब्जर्व किया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से 0.5% के लिए वर्क होता है, कभी कभी उससे भी ज्यादा वर्क होता है, ये मुझे समझ में आया है। इसलिए जो भी मैंने स्टडी की थी वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो एक बार मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से है, किस तरह से वर्कआउट होती है। आप भी इसमें बैक टेस्ट कीजिए दोस्तों, यही इतना ही करना है, इसमें से ही प्रॉफिट होगा, इतना ऐसा नहीं है। जितने भी हमने अब तक स्ट्रेटेजी डिस्कस ये ब्लाइंडली उसे फॉलो मत कीजिए। उसमें कभी भी दोस्तों आप ट्रेडिंग में या इंट्राडे में सक्सेसफुल कब होंगे, जब दूसरे जो भी बताते रहते हैं ना वो आप सीख लीजिए। सीखने के बाद आपका एक स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए जो आपके हिसाब से कंफर्ट लगता है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से आपको अच्छी लगती है, फिर उसमें वर्कआउट कीजिए तो ही आपको प्रॉफिट आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे की स्ट्रेटेजी आपने देख ली, समझ लिया और उसमें ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, पहले जितना भी हम डिस्कस करते हैं उस स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। समझ लेने के बाद जितने भी स्ट्रेटेजीज में हमने कोई कभी कभी हमने RSI के बारे में बताया होता है, कभी कभी हमने सुपर ट्रेंड के बारे में बताया होता है, कभी कभी हमने 15 मिनट के चार्ट के बारे में बताया होता है, कभी कभी हमने चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताया होता है, कभी कभी ब्रेकआउट पे हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट, कभी कभी मूविंग एवरेज का हम डिस्कस करते हैं, तो आप स्टडी कर लीजिए। आप जितना भी आपको अच्छा लगता है ना वो स्टडी कर लीजिए और जो भी आपको
जो भी स्ट्रेटेजी आपको अच्छे लग रहे, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी थी, फिर आरएसआई की एक स्ट्रेटेजी अच्छी लगी थी, फिर आपको एक 15 मिनट की स्ट्रेटेजी अच्छी लगी थी, तो आप पूरा कंबाइन कीजिए। 15 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए, उसमें 50 SMA डाल दीजिए, उसमें आरएसआई डाल दीजिए, और उसका कॉम्बिनेशन करके उसमें ट्रेडिंग करिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी दोस्तों, राइट। तो उसके लिए कभी भी हमें क्या करना चाहिए कि कॉम्बिनेशनल अप्रोच थोड़ा उसका भी सहारा लेना चाहिए, और हमें कभी भी डायरेक्टली स्ट्रेटेजी को समझकर दूसरे दिन में ही उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें उसमें थोड़ा वर्कआउट करना ही पड़ेगा, 3-4 महीने के लिए हमें उसमें वर्कआउट करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों, अभी यहाँ पे क्या करना है, 15 मिनट जो ब्रेकआउट हमारी स्ट्रेटेजी थी उसके साथ हमें RSI का इस्तेमाल करना है। अभी जो फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट जो स्ट्रेटेजी थी हमारी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल देता हूँ, तो उस एक्यूरेट एग्जैक्टली वही स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना है ऐसा नहीं। थोड़ा यहाँ पे मैंने चेंजेस किए हैं, थोड़ा एडिशन किया है, थोड़ा कुछ चेंजेस करके आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, लेकिन वो भी वीडियो आप देख सकते हैं वो वीडियो किस तरह से था। यहाँ पे हमें क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ। हमें क्या करना है, कौन सी भी स्टॉक का, मान लीजिए कि ये सिप्ला का चार्ट है, ये 15 मिनट की एक कैंडल ओपन करनी है हमें, 15 मिनट्स का चार्ट हमें यहाँ पे ओपन करना है, राइट। तो ये 15 मिनट का एक चार्ट ओपन हो गया, राइट दोस्तों, उसके साथ हमें RSI डालना है, राइट। 15 मिनट के चार्ट पे हम RSI डालेंगे और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होने का इंतजार करेंगे, राइट। कभी भी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल कंप्लीट होती है ना, तब हम RSI देखेंगे। RSI में कभी भी, अभी ये जो, अगर ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ग्रीन होगी, अच्छी खासी बड़ी कैंडल होगी और क्लोजिंग उसके हाई के आसपास होगी, और नीचे अगर हम RSI देखेंगे उसमें भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर होगी और उसमें का डिस्टेंस भी बहुत सारा होगा, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम इसमें पोजिशन बनाएंगे, लेकिन पोजिशन हम कब बनाएंगे, एक बफर रखकर हम उसमें पोजिशन बनाएंगे। मान लो कि ये 524.90 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 60 पैसे का, 50 पैसे का, एक 70 पैसे का, एक आपके हिसाब से आप देख लीजिए, 50, 60 या 70 पैसे का आप यहाँ पे बफर रख दीजिए। उसके इसके जो ये जो कैंडल थी फर्स्ट 15 वाली, 15 मिनट वाली, उसके ऊपर मान लो कि एक 50 पैसा या 60 पैसा ये स्टॉक ऊपर जाता है, तो हम उसमें पोजीशन बनाएंगे। हम आधा परसेंट का स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस का भी दोस्तों आप पे डिपेंड रहता है, अगर आप रिस्क कम लेना पसंद करते हो तो आधे परसेंट का रखिए, आप रिस्क ज्यादा से ज्यादा ले सकते तो 1% का रखिए, क्योंकि जितना भी हम डीप स्टॉप लॉस रखते हैं ना, तो मैक्सिमम कैसे होता है कि स्टॉक की मूवमेंट में आधा परसेंट वो जो स्टॉक की वोलाटिलिटी रहती है उसमें वो आधे परसेंट को हिट करता है और फिर टारगेट के पास जाता है। इसलिए हम थोड़ा रिस्क लेकर 1% तक कभी कभी स्टॉप लॉस रखते हैं ना, तो वो 1% के आसपास जाता है लेकिन स्टॉप लॉस को नहीं हिट करता और फिर ऊपर जाके हमारे हमारे टारगेट को हिट होता है, तो ऐसा भी हो जाता है। तो जितना आप ज्यादा रिस्क लेंगे ना, तो आपको उतना प्रॉफिट बढ़ जाएगा दोस्तों, ये भी हो जाता है, लेकिन आपको रिस्क लेने की वो कैपेसिटी होनी चाहिए, और आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो उसके हिसाब से भी, अगर आप 1% का रिस्क लेते हैं तो एटलीस्ट आपको 1%, 1.5% या 2% का प्रॉफिट देनी चाहिए, तभी आपका रिस्क रिवॉर्ड भी रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो हाई था वो 524.90 था, एक 50-60 पैसे का हम बफर भी रख लेते तो देख सकते हैं हम, एक तीसरी कैंडल में स्टॉक यहाँ 530.65, तो ये 525 से कंसिडर करते हो, ये 530 इसे कंसिडर करते हो, 5 रुपये यानी अराउंड 1% का रिटर्न इसने दे दिया, राइट। तो इस तरह से हमें वर्कआउट करना है। अभी पिछले दिन का देख लेते हैं दोस्तों, अभी यहाँ पे देख लीजिए एक रेड कैंडल बन गई, क्लोजिंग उसके लो के आसपास तो क्लोजिंग नहीं थी, फिर भी क्लोजिंग रेड कैंडल के साथ थी। यहाँ पे नीचे RSI देखेंगे तो रेड कैंडल, सॉरी रेड लाइन ऊपर थी, ग्रीन लाइन नीचे थी, डिस्टेंस भी बहुत सारा था, इसमें सेल बनता है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका लो कभी भी ब्रेक होगा ना 50 पैसे या 60 पैसे से नीचे जाकर बफर पे, तो ये हम इसमें एंट्री करेंगे। तो अगर दूसरी कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल इसके इन बिटवीन ही थी दोस्तों। कभी भी नेक्स्ट कैंडल में अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो अच्छी तरह से वर्कआउट होता है, क्योंकि वो अगले 15 मिनट से एक आधे घंटे में हमें टारगेट दे देता है आधे से 1% का। तो इसलिए अगर नेक्स्ट कैंडल पे ही ब्रेकआउट होता है तो वो अच्छी बात है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेकआउट नहीं हुआ था। चलिए अभी और कुछ पिछले दिन का डेटा देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये बड़ी वाली रेड कैंडल थी, क्लोजिंग लो के आसपास नहीं हुई, फिर भी बड़ी वाली रेड कैंडल थी। RSI देखेंगे तो ये रेड लाइन ऊपर थी, रेड लाइन ऊपर थी, ग्रीन लाइन नीचे थी, डिस्टेंस भी बहुत सारा था। इसका लो अगर ब्रेक करेगा तो ये देखेंगे हम कहाँ पे जाए, इसका लो अगर देखेंगे हम तो इसका लो था 542.65, मान लो 542 के आसपास हमने सेल किया होता, तो ये 2-3 कैंडल का भी हम देखेंगे तो भी ये 539 तक चला गया। तो आप देख सकते हैं 542 से ये यहाँ 539 तक गया, यानी 2 रुपए का रिटर्न हमें, सॉरी 542 टू 539 यानी 3 रुपए का रिटर्न, यानी आधे परसेंट का रिटर्न दे दिया। अगर आप थोड़ा और रुकते तो ये 538 तक गया था, थोड़ा और भी हम इसमें रुकते तो आप देख सकते हैं फिर ये कहाँ तक गया स्टॉक, ये फिर यहाँ पे 531 तक चला गया, यानी 542 से
531 यानी मोर देन अराउंड 2% रिटर्न ये स्टॉक ने दे दिया, राइट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं अराउंड ₹10 का रिटर्न ये स्टॉक ने यहाँ पे दिया था, तो अराउंड 2% के आसपास रिटर्न दे दिया। तो इस तरह से वर्कआउट होते हैं दोस्तों, मोर देन 1% भी कभी कभी वर्कआउट होते रहता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 15 मिनट की कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, राइट। यहाँ पे RSI देखेंगे तो RSI ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी। डिस्टेंस अभी डिस्टेंस इतना नहीं था, फिर भी ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, तो हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड करेंगे। देख लीजिए दोस्तों, इसका हाई था 539 के आसपास, यहाँ पे 541, राइट। अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। फिर आगे भी देख सकते हैं, आगे भी ये जाकर स्टॉक बहुत ही ऊपर गया और यहाँ पे ये स्टॉक ने 547 का हाई बना दिया। तो यहाँ पे हाई था 539 के आसपास और यहाँ पे 547 के आसपास, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे भी मिल गया हमें। अभी और देखते थोड़ा बैक टेस्ट करके दोस्तों। अभी यहाँ पे देख लीजिए, रेड कैंडल, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर, ग्रीन लाइन नीचे। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, का एक 50-60 पैसे का बफर रखते हुए, ये 535.90 था, तो हम यहाँ पे मान लो कि 535.60 पैसे का अगर रखते तो 535.30 पे हम इसमें सेल करेंगे, तो 535.60 तक ही चला गया, राइट। 30 तक नहीं आया तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग नहीं बनता, तो हम इसमें ट्रेडिंग ही नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप, पूरा दिन भर ये साइड वे में चल रहा था, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे राइट, ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे। इसका ब्रेकआउट हो गया, इसका हाई था 531, मान लो 532 पे हमने बाय किया होता तो आप देख सकते हैं फिर ये स्टॉक में मूवमेंट आ गई और इसने 533.95। तो और भी आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक और भी ऊपर गया। फिर ये यहाँ पे मान लो कि ये 532 था, यहाँ पे 541 चला गया, राइट। बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। फिर और कुछ चार्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी यहाँ पे ये इंडिसिजन कैंडल थी, ग्रीन कलर की दिख रही है लेकिन इंडिसिजन थी, तो अगर इस तरह की कैंडल बनती तो मैक्सिमम टाइम पे हम इसे अवॉइड ही करेंगे। फिर भी आप देख सकते हैं स्टॉक में मूवमेंट तो आ गई है, फिर भी ये स्टॉक ऊपर गया है। अगर मान लो कि यहाँ पे भी आप ट्रेडिंग करते 521 पे, राइट, इसका हाई 520.50, तो 521 एक 50-60 पैसे का बफर पकड़ कर और यहाँ पे 525, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा रिटर्न मिल गया था, राइट दोस्तों। अभी कभी कभी एक दो तीन सिनेरियो बोलता हूँ मैं, यहाँ पे एक बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अभी यहाँ पे रेड कैंडल बन गई और नीचे RSI की ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, तो ऊपर बोल रहा है कि सेल करो, राइट, ये रेड कैंडल है, लेकिन नीचे बोल रहा है RSI बाय करो, तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट। अगर आप देखेंगे तो ये सेल के साइड में गया है, लेकिन अब इस तरह कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम इसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल थी, RSI की ग्रीन लाइन ऊपर थी, रेड लाइन नीचे थी, कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारी ओपन जो हमारा क्लोज होना चाहिए तो वो हाई के आसपास होना चाहिए, तो ये कैंडल इनडिसीजन जैसे ही थी, राइट। बहुत ही नीचे आकर ओपन और क्लोज लगभग इक्वली था, फिर भी मान लो कि हम उसमें ट्रेडिंग करते तो किस तरह से हुआ, देखो, तो हम इसमें ट्रेडिंग करते तो 522.70, तो मान लीजिए हम 523. मान लीजिए कि 30 पे 60 पैसे का बफर रखते तो भी ये मान लो कि एग्जीक्यूट होता और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता, राइट। तो ये भी स्ट्रेटेजी ने हमें स्टॉप लॉस हिट कर दिया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी हर बार 100% वर्कआउट होती है, कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होगा, राइट। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी कैंडल रेड थी, रेड लाइन ऊपर, ग्रीन लाइन नीचे, उसमें थोड़ी मूवमेंट भी थी, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस हम आधा परसेंट रखते तो हिट हुआ होगा होता, राइट। 1% का था तो हमारा स्टॉप लॉस में भी यहाँ पे हिट नहीं हुआ होता, और आप देख सकते हैं फिर स्टॉक नीचे कहाँ तक चला गया, ये 521 और ये 511, तो 10 रुपीज़ यानी 2% का रिटर्न स्टॉक ने दे दिया। अगर आपका आधा परसेंट का स्टॉप लॉस होता तो हिट होता है, 1% का होता थोड़ा ऊपर रहता स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता और फिर आपका टारगेट हिट होता, राइट। तो इस तरह से थोड़ा रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा, राइट। तो इस तरह से करना है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, उसने ब्रेकआउट ही नहीं दिया, ट्रेडिंग नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरह से करना है दोस्तों। अभी बहुत सारे एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताने की कोशिश की, तो मुझे लगता है आपको पता लग गया होगा, राइट। तो एक कॉम्बिनेशनल अप्रोच मैंने आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, राइट। खाली इतना ही करेंगे ऐसा नहीं, आप इसके साथ थोड़ा 50 SM ऐड कीजिए, राइट, थोड़ा आप दूसरे ADX इंडिकेटर रहते हैं वो ऐड कीजिए, उसका सहारा लीजिए। आप कैसे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक पैटर्न के साथ काम कीजिए। अगर मान लो कि वो 50% काम करता है तो उसके साथ कोई इंडिकेटर ऐड कीजिए। मान लो कि हमारी 50 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी थी, वो उतनी एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, RSI को ऐड किया। RSI को ऐड करने के बाद हमारी एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ गई। आपको और भी एक्यूरेसी चाहिए तो आप और भी इंडिकेटर्स ऐड कीजिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स, इतने भी इंडिकेटर्स ऐड नहीं करने चाहिए कि स्क्रीन पे हमें कचरा ही नजर आए, उतना भी नहीं करना चाहिए। मान लो कि आपने ADX ऐड किया, राइट, तो उस ऐड करने के बाद और भी एक्यूरेसी हमारी बढ़ गई, राइट।
तो एक्यूरेसी जैसे बढ़ती जाती है ना, हम जैसे इंडिकेटर्स ऐड करते हैं वैसे अगर एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है तो हम उस इंडिकेटर्स के साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम इंडिकेटर्स एक ही चार्ट पे नहीं डालेंगे, मैक्सिमम एक चार पांच इंडिकेटर आपके चार्ट पे रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से आप देख भी पाएंगे, राइट। क्योंकि ज्यादा इंडिकेटर्स आप ऐड करेंगे तो उसमें के 50% इंडिकेटर्स आपको बाय सिग्नल देंगे, 50% इंडिकेटर्स आपको सेल सिग्नल देंगे, राइट। तो आपको स्टॉक ही नहीं मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है हमें, मिनिमम इंडिकेटर्स यूज करना है, चार पांच आप कर सकते हैं। चार पांच यानी ये पैटर्न 15 मिनट ब्रेकआउट वाली एक स्ट्रेटेजी हो गई हमारी। मान लो कि इसमें आपने 50 SMA डाल दिया, फिर RSI डाल दिया, फिर ADX डाल दिया, जैसे चार पांच आप कॉम्बिनेशन, फिर पैराबोलिक चार रहता है वो डाल दिया। तो चार पांच का कॉम्बिनेशन अगर आप करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी मिलते जाएंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। उसका बैक टेस्ट कीजिए, अगर एक्यूरेसी अच्छी लग रही है तो आप वो आपके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप कर दीजिए, राइट। जो हमने बताया उतना ही नहीं लेना है, आप भी आपके हिसाब से थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आप आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। तो एक ऑब्जर्व हुआ था मुझे, जब भी मैंने चार्ट की थोड़ी थोड़ी चार्ट की मैंने स्टडी की, तो अभी जो मैंने बताई स्ट्रेटेजी आपको, ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन था मेरा और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा था, इसलिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करने की मैंने कोशिश की है। तो दोस्तों मुझे लगता है जो भी हमने डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम जो भी डिस्कस करते हो खाली स्टडी पर्पस के लिए ही ले लीजिए, राइट। इसको देखकर आप डायरेक्टली ट्रेडिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस कभी भी टाइम के साथ आता है, राइट। हमें टाइम देना पड़ता है, टाइम यानी हमें उसमें 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वर्कआउट करेंगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बहुत ही आसानी से बहुत सारा पैसा दिन रेगुलरली डेली बेसिस पे कमा पाएंगे दोस्तों, राइट। तो उसीलिए मैं बोलता हूँ कि एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो खाली एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।